हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, चटपटे, मज़ेदार आंवला गटागट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके खाने से आपके मुंह का स्वाद एकदम बदल जाएगा और ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा रखने में काफ़ी मदद करेंगे। और ये आपके घर में बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। साथ ही इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवला के टेस्टी चटपटे गटागट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। आंवला गटागट कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 200 ग्राम आंवले लिए हैं। ये देखिए, मैंने इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और अब इसे हम सबसे पहले बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए गैस पर, ये देखिए, मैंने बर्तन रख दिया है और इसमें हम सबसे पहले पानी डालेंगे। तो 2 से 3 ग्लास के लगभग हम इसमें पानी डाल देंगे और अब इसे हम हाई फ्लेम पर सबसे पहले गर्म होने देंगे। तो आप देख सकते हैं पानी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम आंवले डाल देंगे और अब इसे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। तो आंवलों को ढककर मैंने लगभग 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। ये देखिए, आंवले अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी जो कलियां हैं, ये देखिए, अलग अलग हो चुकी हैं। तो अब हम आंवलों को अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसके बाद इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, आंवले हल्के ठंडे हो चुके हैं और इसके बाद हम इसकी कलियों को अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसके जो अंदर वाला बीज है उसे हम निकाल देंगे और सभी आंवले हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो आंवले की मैंने अलग अलग कलियां कर ली हैं, ये देखिए, और मैंने यहाँ पर इसके बीज भी निकाल दिए हैं। और अब हम यहाँ पर लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें हम जो आंवले के पीसेस हमने किए हैं इसे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं आंवले की कलियों को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और अब हम जार का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आंवले का बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और ये हल्की सी गर्म हो चुकी है। इसमें हम जो ये आंवले का पेस्ट है इसे डाल देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए पकने देंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। तो गैस की फ्लेम को हम इस समय पर मीडियम रखेंगे और इसका पानी जलने तक हम इसे भून लेंगे। तो आंवले के पेस्ट को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें मैं मिला रही हूँ गुड़। तो 50 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है, इसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे आंवले के पेस्ट के साथ में और अब गुड़ को मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और अब इसे हम फिर से पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इसी तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने में हमने ना ही तो तेल का यूज़ किया है, ना ही घी का यूज़ किया है और ना ही पानी का यूज़ किया है। इसमें जो पानी है उसे भी हमें बिल्कुल जला लेना है, ये देखिए इस तरह से, और चम्मच हम इसमें इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं आंवले के पेस्ट को गुड़ के साथ में पकाते हुए 3 से 4 मिनट और हो चुके हैं और ये देखिए इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। तो इसी समय पर हम इसमें कुछ और मसाले भी मिलाएंगे। तो अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और अजवाइन का पाउडर, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 पिंच हींग, साथ ही इसमें मिला देते हैं 1/2 छोटी चम्मच सफ़ेद नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काला नमक भी डाल देते हैं, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें हम मिलाएंगे 1/2 छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर और साथ ही इसमें मिला देते हैं 1 चम्मच अमचूर का पाउडर।
थोड़ा इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मिलाएंगे आधा छोटी चम्मच चाट मसाला। तो सभी मसाले हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं और अब इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और मसालों को मिक्स करते हुए हम इसे भून लेंगे लगभग एक मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से और पका लिया है। और ये देखिए ये जो पेस्ट है अब कढ़ाई छोड़ने लग गया है, तो इसका पानी भी बिल्कुल जल गया है और अब ये मिश्रण बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इस मिश्रण को अब हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो मैंने इसे अलग प्लेट में निकाल कर हल्का ठंडा कर लिया है और अब हम इसकी छोटी छोटी कैंडी बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये देखिए पिसी हुई चीनी का पाउडर लिया है, इसे थोड़ा सा हम हाथ पर लगा लेंगे जिससे कि मिश्रण हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अब थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण उठाते हुए हम इसकी इस तरह से कैंडी या गटागट बनाना शुरू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये बन गया है। और अब इसे हम इस तरह से पिसी हुई चीनी से कोट कर लेंगे और इसी तरह से हम सभी गटागट बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए हमें इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी तरह से हम सभी कैंडी या गटागट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटे आंवले के गटागट, आप इसे कैंडी भी कह सकते हैं। और आप इसे दोपहर के या शाम के खाने के बाद एक गटागट खा लीजिए, इससे आपके मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और आप इसे खुले में ही रखिए हवा में जिससे कि चिपकेंगे नहीं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।